फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स वर्टेसिस -1.1 5.1 फोकाई 4.1 या 0.1। अब देखो बात क्या होती है, फोकाई के दरमियान का डिस्टेंस 2a के बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, 5 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस a बराबर 3 क्या गया। वैसे यहाँ भी लगा दें 4 माइनस 0। अब देखो बात सुनो, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं फोकाई का, बिल्कुल जी। 4 और 0 को प्लस करके 2 से डिवाइड करो 2, 1 और 1 को प्लस करके 2.1। अब देखो सी निकालने का एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप इनका डिस्टेंस ले लो या इन दोनों का ले लो। इन दोनों का लोगे तो सी नहीं बल्कि 2c कहना है। खैर एनी हो, जिस मेथड से भी करो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी ये 2.1 का ही आए सेंटर पे, वर्टिसेस हमेशा रखो ये होता है एंड पॉइंट 5.1। और मेजर एक्सेस जो है ऑफकोर्स ये अलोंग कहाँ पर है भाई, एक्स एक्सेस पे, ठीक है, क्योंकि ये 1.1 पॉइंट सेम चल रहा है, वाई सेम चल रहा है ना, फोकस का भी और वर्टिसेस का भी, तो मतलब है मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस। अब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी 2 है तो सी स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए 3 है तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 या बी रूट 5 आ जाएगा। इक्वेशन मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस होता है तो नीचे ए स्क्वायर आता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये जो सेंटर है ये एच ये के, वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर आ गया हमारा।